बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को पिछले कुछ समय से अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने और साल में 4 फिल्में करने पर ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मुद्दे पर एक करारा जवाब दिया है। अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उन ट्रोलर्स पर कटाक्ष किया है जो उन्हें साल में 4 फिल्में करने के लिए आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे कहते हैं ये 4 फिल्में क्यों करता है साल में, इसको एक फिल्म करनी चाहिए, चलो मैं एक पिक्चर कर लेता हूँ, बाकी दिन क्या करूँगा, तेरे घर में आऊँ, बेटा याद रखना भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें काम मिलता है। यहाँ रोज कोई ना कोई बोलता है बेरोजगारी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जिसको काम मिल रहा है उसको तो करने दो। पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असल रही है। इसमें बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, सेल्फी, मिशन रानीगंज, बड़े मियां, छोटे मियां और सरफिराज शामिल हैं। हालांकि इस कठिन दौर के बावजूद अक्षय कुमार लगातार काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रहे। फॉर्ब्स इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी हालिया फ्लॉप फिल्मों पर उनसे सीखे गए सबके बारे में बात की। उन्होंने कहा, हर फिल्म के पीछे बहुत सारा खून पसीना और जुनून होता है। फिल्म किसी भी को सफल होते देखना दिल तोड़ने वाला होता है, लेकिन आपको उम्मीद की किरण देखना सीखना होगा। हर असफलता आपको सफलता का मूल्य सिखाती है और उसके प्रति भूख को और भी बढ़ा देती है। सौभाग्य से मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही इसे निपटना सीख लिया था। अक्षय कुमार ने कहा कि असफलता के बावजूद वह निराश नहीं होते और अपनी अगली फिल्म के लिए पूरी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा, बेशक यह आपको दुख पहुंचाता है और प्रभावित करता है, लेकिन इससे फिल्म की किस्मत नहीं बदलती। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में जो है वह है कड़ी मेहनत करना, सुधार करना और अपनी अगली फिल्म के लिए सब कुछ देना।